शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व बिही नस्तईन, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अल असलु في الأعراض देखिए कायदे फ़िक़िया जो कुबरा हैं पांच कायदे, उसमें से दूसरा कायदा हम लोग पढ़ रहे हैं, मालूम है ना आपको, अल-यक़ीनु ला यज़ुलु बिशक। अब उसके कायदे के बाद हम जो भी कायदा पढ़ते जा रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अल-असलु बक़ाउ माकान अला माकान। हर शुरू हर एक के शुरू में क्या आ रहा है, अल-असल। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ ये बतलाना मकसूद है कि जो असल कायदा ही नहीं, अल यकीनु ला यज़ूलु बिशक असल कायदा, वो मतलब ये कि हमको असल पे बाकी रहना है, यकीन पे। किसे बाकी रहना है, यकीन पे बाकी रहना है। उस यकीन को कब छोड़ा जा सकता है, जी कोई और यकीन आए, कोई और यकीन आए, महज शक की वजह से उस यकीन को नहीं छोड़ा जा सकता। तो अब तक हम लोग जितने भी कायदे पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अल असलु फिल अशियाई अल इबाहा, आप जो है किसी चीज़ से ऐसी फ़ायदा उठा रहे हैं, इन यकीन पे हैं आप, जब तक कि उसकी हरमत पर दलील नहीं आती। असल कायदे से कैसा ताल्लुक है देख रहे हैं आप, इससे पहले कायदा पढ़े थे अल असलु फिल कलाम अल हकीका, कोई भी कलीमा है आप उसका हकीकी माना ही लेंगे, आप यकीन पे बाकी रहिए आप असल पे, जब तक कि वो असल माना लेने की गुंजाइश ही ना हो हकीकी माने की, वहाँ किसी तौर पर भी मजाजी ही माना लेना पड़ेगा तब की बात। तो आप असल पे बाकी हैं, यकीन पे, मसल में आ गई। अल असलु फिल आराज़ अत्तहरीम, आराज़ लोगों की इज्जत व आबरू के सिलसिले में असल क्या है, तहरीम। हम हुस्न जन पे ही यकीन बाकी रखेंगे, हम असल पे बाकी हैं हम, ये बात वाजी हो गई आपको। ये यकीन ला यज़ूलु बिशक से इन कवायद का क्या ताल्लुक है, यानी सब उसके तहत आ रहे हैं। तो गोया कि ये ऐसा नहीं है कि जो ये यकीन ला यज़ूलु बिशक एक अलग कायदा है, ये अलग अलग कायदे आ रहे हैं, ऐसा नहीं, सब उसी के मातहत हैं। यानी गोया कि हमको असल पे बाकी रहने का सिखाया जा रहा है, यकीन पे। अब ये दूसरा जो कायदा था यकीन ला यज़ूलु बिशक, इससे मुतालिक आप देखेंगे और भी बहुत सारे कवायद पढ़ने बाकी हैं हमको, इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, तब आप एक गोया कि एक इतना गहरा हुआ आ जाएगा, एक बड़ी दुनिया इसके अंदर आ जाती है, हमारे रोज़मर्रा के बहुत सारे बातें इसके अंदर आ जाती है। अब तक जितने कायदे हम लोग पढ़े हैं सबका मसला अलग अलग है, लेकिन उस मौजू पर आपको यकीन पर बाकी रहना है, असल पर बाकी रहना है, जब तक कि उस जैसा यकीन ना आ जाए हर चीज़ में। और क्या कायद पढ़े थे हम लोग उसमें, और कुल कितने हैं, ये छठा है क्या। अब सब में देखेंगे कि हमको असल पे बाकी रहना है, असल पे, ये बुनियादी चीज है। ये नहीं समझेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अल्लाह यकीन ला यज़ूलु बिशक के तहत है कायदा, ये हमको पूरे यकीन के साथ रहना है असल पे, असल पे है वो, ये असल है, अब उस पर आप यकीन से रहें, यकीन के साथ, जब तक कि उस जैसा दूसरा यकीन ना आ जाए। यहाँ भी यही मामला सिवाय एक मामले में, वो कौन सा मामला आगे बतलाऊंगा मैं आपको। यानी हमको छानबीन करने की, एकदम टटोलने की, ये सब नहीं, किसी मुसलमान से ताल्लुक, असल मामला हमारा क्या होना चाहिए, जी एतमाद। ये गैर मुस्लिम से मुताल्लिक नहीं है, मुसलमानों से मुताल्लिक, मुसलमानों से मुताल्लिक असल मामला, हम किसी को पहचानते नहीं हैं, बिल्कुल मजहूल है, यानी हमारे पास उसके बारे में कुछ मालूमात नहीं, लेकिन हम यकीन में बाकी हैं क्योंकि वो मुसलमान है,
हम यकीन में बाकी हैं। अल असलु फिल आराज अत तहरीम, यानी फिल आराज का मतलब यह है कि फिल आराज मुस्लिमीन, मुसलमानों की इज्जत आबरू के सिलसिले में। अभी एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, सुनन अबी दाऊद की, सुनन अबी दाऊद उसमें किताब है किताबुल अदब, सुनन अबी दाऊद किताब है किताबुल अदब, और इसमें बाब बाबुन फिल गीबा, किताबुल अदब, अल्लाह के खास फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन के लिख, आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, अरबी में लिखने की आदत डालो, समझ रहे ना। आज की क्लास में तकलीफ होगी, आने वाली क्लास में नहीं होगी, अरबी में लिखना मुश्किल होगी। हर चीज़ जो अरबी में है वो अरबी में लिखना, उसका माना मफहूम मतलब वो आप जो ज़ुबान में चाहते हैं वो ज़ुबान में लिखें, लेकिन असल चीज़ें अरबी में लिखना, असल चीज़ें आदत डालना उसकी। हम आपकी एक मुस्तकिल तरबियत कर रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप वो सब चीज़ें लेना, वो तकलीफ नहीं होगी, ऐसा नहीं है, यह लाजमी तौर पर होगी आपको, लेकिन आदत डालना। लिखो किताबुल अदब लिखो, वो बोर्ड पे लिखे तो लिखते हैं क्या आप? हाँ बोर्ड पे लिखना पड़ता है जी, किताबुल अदब बाबुन फिल गीबा, सुनन अबी दाऊद, इसका हदीस नंबर है 4880 बाबुन ठहर के फिल गीबा, कभी कभार बाबू करके मिला के आता है, यहां ऐसा नहीं है, बाबुन फिल गीबा। अयास भी कैसे कर रहे हैं? हाँ माशाल्लाह, आप भी हमारे नो अबुल कासिम माशाल्लाह। हाँ उसका माना मफहूम आप लिखो, वो कोई हर्ज नहीं, आपकी अपनी ज़ुबान जिसमें आपकी सहूलत है, जिसमें आप अच्छा समझ सकते हैं, जो चीज़ें बुनियादी हैं उसको इस तरीके हदीस लिखाऊंगा, हदीस ऐसे सुनन अबी दाऊद में, सुनन अबी दाऊद में आप दाल की रमज डालने काफ़ी है, वो भी सीखें आप, दाल दाल रमज है किसका? सुनन अबी दाऊद का जी। सुनन अबी दाऊद में हमारी अहलिया बोल रही थी कि मैं जब कोई चीज़ बोलता हूँ तो आप लोगों को बोलता हूँ कि पहले सुनो बाद में लिखो, पहले सुनो बाद में लिखो, सुनते हुए नहीं लिखना। तो अरे बोल रही थी कि जो है आप एक तरफ बोलते हैं कि जो है पहले सुनो बाद में लिखो, जब लिखने जाते हैं तो फिर दूसरी बात बोलना शुरू कर देते हैं, लिखना कब करके पूछ रहे थे ऐसा होता ही नहीं जी 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 नहीं, क्योंकि जो भी आपको खलल होता है आप बोल देना इसी तौर पर भी। हदीस सुनो और पढ़ूं? अच्छा, हदीस के रावी हैं अबू बरज़ा अल असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए अंदाज़ देखिए अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीब, अल्लाहु अकबर। इसीलिए नहीं हमारे उलमा कहा करते थे, सहाबा उलमा से मतलब असल जो सहाबा हैं, जब कोई आदमी तमन्ना करता सहाबा के सामने, काश कि मैं भी अल्लाह के रसूल की सोहबत इख्तियार किया होता, मैं भी आपको देख लिया होता, मैं भी आपसे मिल लिया होता, सहाबा बरहमी का इज़हार करते, मामूली गुस्सा नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्से का इज़हार करते, अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम जैसे ही ठीक हैं, अल्लाह ना करे तुम अल्लाह के रसूल को देख लिए होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों की तरह झुटलाने वाले में तुम होते तो गुना बढ़ जाता ना तुम्हारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके भी मुनाफिकीन थे,
आपकी सोहबत में रहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलास, आप सल्लम की खैरखाई, आप सल्लम वो क्या बोले, जितना भी बोले कम है, आपको देख करके भी निफाक वाला मामला आपके साथ कोई करता है तो कितना बदनसीब इंसान रहेगा वो। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम जैसे भी हो ठीक है, ईमान मिला नहीं बस काफ़ी है तुम्हारे लिए। अब यहाँ देखो, नबी करीम सल्लम ने कहा या माशर या मा अबू बरजा अल असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु, क्योंकि वो सहाबी के बारे में मालूम है, मैं दूंगा तो मैं असल मौजू से हट जाऊंगा मैं, इसलिए एक अहम बात बताना मकसूद है हदीस में। देखिए आप सल्लम ने वो अंदाज है, जैसे या माशर कुरैश, या माशर अल जिन्न वल इंस, या माशर तुजार, हदीस के अल्फाज हैं सब सही सुनना अबी दाऊद के, या माशर शबाब, यहाँ आप सल्लम ने फरमाया या माशर, ऐ वो जमात, मन मन आमन बिलिसानी, ऐ वो जमात जो जमात के सिर्फ अपनी जुबान से इस्लाम लाई है, अपनी जुबान से इस्लाम कबूल किए, मन आमना बिलिसानी, जो अपनी जुबान से तो ईमान का इकरार करती है, वलम यदखुलिल ईमानु कल्बहु, और ईमान जिनके दिलों में दाखिल नहीं हो चुका है, आए वो जमात, अल्लाहु अकबर, यानी वो कौन कौन है वो अल्लाह को मालूम, लेकिन एक जमात ऐसी है, एक जमात ऐसी है, और अल्लाह के रसूल सल्लम को आखिरी दिनों में वही के जरिए बतला भी दिया गया कि वो कौन कौन है करके। ये कितनी बड़ी बात नहीं है, सुभान अल्लाह। हाँ, मुनाफिकीन के बारे में इनका काम ही ये था कि बस मुसलमानों के टोह में लगे, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो उसकी 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 कमजोरी क्या, उसकी कमजोरियां, कोई कमजोरियों से पाक नहीं है, कोई कमजोरियों से पाक नहीं है सिवाय अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आप सल्लम बशर हैं, लेकिन आप सल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी बिल्कुल पाक साफ रखा, मासूम बना के रखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कहा ला तगताबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की गीबत ना करो, वला तत्तबियु औरातिहिम, वला तत्तबियु यानी पीछा ना करो, वला तत्तबियु पीछा ना करो औरातिहिम, मतलब हाँ यानी मुसलमानों की औरतों का वो मतलब नहीं, मुसलमानों की छुपी हुई चीजें, मिसाल के तौर पर कोई किसी ने से कुछ गलती हो जा रही बंद कमरे में, जाके टोहे मत लगो, कोई कुछ बातें कर रहे हैं आप जाके मत सुनो वो क्या सुन रहा है क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पर जो है आदमी कुछ हेडफोन के जरिए कुछ सुन रहा है, नहीं वो गाने ही सुन रहा होगा, वो समझ रहे हैं, या करीब जाके सुन के देखे, जरूरत नहीं, क्योंकि अल असलु फिल आराजी अत तहरीम, असल के तौर पर हौसले से बाकी रखो। हो सकता है कि उसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो, उसका लिबास अजीब तरह का नजर आता हो, लेकिन कुरान सुन रहा हो, ये ऐसा ही है क्या कि जो हेडफोन लगाए हो, दाढ़ी हो, जुब्बा हो, तब जो है वाकई कुरान सुन रहा है, नहीं ये गाने सुन रहा है, ऐसा नहीं ना। अल असलु फिल आराज़ अत तहरीम, ये बुनियादी चीज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तत्तबियु फी औरातिहिम, उनकी पोशीदा चीज़ों में आप उसकी तोहमी मत लगो, उसके पीछा मत करो, वो कहाँ जाता है, वो किससे मिलता है, क्या करता है, कहाँ बैठता है, सब ये बहुत बदअखलाकी है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहु, ये देखिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, फ़इन्नहु मन तबअ औरातिहिम यत्तबिउल्लाहु औरातहु, जो मुसलमानों की छुपी हुई चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है, अल्लाह उसकी छुपी हुई चीज़ के पीछे लग जाता है। ये मतलब है कि अल्लाह सुभान व तआला अब उसकी टोह में रहता है, मतलब है कि उसकी पोशीदा चीज़ें लोगों में वाज़े करता है। उसके बाद وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی کا پیچھا کرے, جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی کی ٹوہ میں لگے, یہ اس کے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جو الفاظ یہ استعمال ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں اخبار, کیا بولتے ہیں, ایک ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء, اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک ہوتے ہیں صفات, اسماء و صفات, एक है अस्मा, एक और है सिफात। अल्लाह सुबहान व तआला के अस्मा और सिफात के साथ साथ उसके कुछ अफ़आल भी हैं अल्लाह सुबहान व तआला के, बात वाज़ेह हो गई। फिर उसके बाद एक और बड़ा मौजू आता है, उसको बोलते हैं इखबार, क्या बोलते हैं इखबार, उसको उसी अंदाज में समझना जैसे यहाँ है अल्लाह सुबहान व तआला पीछा करता है, मतलब हो गई, ये उसकी सिफात में से नहीं है अल्लाह रब सुभान व तआला की, अल्लाह सुभान व तआला के बारे में खबर है, अल्लाह सुभान व तआला इंतकाम लेता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में खबर है, एक बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जा रही ना, अफ़ाल में नहीं आती है,
अल्लाह सुभान व तआला यग़ज़िब यज़हक, उसकी सिफात में आती है चीज़ें हंसना या फिर जो है गुस्सा करना वगैरह। अब देखिए अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है। अल्लाह सूरह बकरा में ना, ये सब इखबार से मुतालिक, बस समझ में आ गई। अच्छा यहाँ क्या है, अल्लाह सुबहान व तआला जब किसी के टों में लगता है इखबार, हाँ जी, यानी उसके उसके मुतालिक खबर दी गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अपने बारे में बात बतलाई, अल्लाह सुबहान व तआला जब किसी के टों में लगता है तो फिर यफ़ज़हु फ़ज़हा, हम उर्दू में भी सुने होंगे आप फ़ज़ीहत फ़ज़हा, या अल्लाह फवाहा क्या है, फवाहा इसके माने आते हैं यानी बेइज्जती कर देना, जलील करना, रुस्वा करना, लेकिन इस एतबार से रुस्वा करना कि आदमी मिसाल के तौर पर यानी एक होता है ना, एक एक, एक, एक आदमी सबके सामने अपनी बुराइयां रखे रहता है, उसकी मजीद कोई चीज़ लोगों के सामने आ जाती है, बेशर्म को कोई कोई बात होती है क्या, नहीं। एक आदमी अंदर से अंदर रखना डालता है, बुराई का इरादा रखता है, शराफत का लिबादा ओढ़ के रहता है, शरीफ बन के रहता है, और अंदर से अंदर है बहुत कमीनगी रहती है उसके अंदर, और फिर उसकी जब चीज़ वाजे हो जाती है तो उसे ज़्यादा शर्मिंदगी, ज़्यादा जख्म पहुँचती है उसको, ज़्यादा ज़र्ब लगती है उसको, ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है वो, क्योंकि जैसे होता है उमूमन कि एक जगह के वो फलान जगह का पुजारी था, लोग उसे ये मानते थे वो मानते थे, लेकिन ऐसा निकला उसकी मिसाल ये फ़ज़ाहा, इस तरह की ज़िल्लत रुसवाई। अल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह हमारे ज़ाहिर बातिन में नेक और सालेह बनाए। तो ये जो है अल्लाह सुबहान व तआला जब किसी के टों में लगता है तो यफ़ज़हु फ़ी बैतिही, उसके घर ही में उसे जलील करेगा, यानी घर ही में जलील करेगा, मतलब ये है कि वो बंद कमरे में भी करेगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, तब भी उस चीज़ को बाहर लाएगा अल्लाह ताला, जो मुसलमानों के टों में लगे रहता है। मतवाजे हो गई, ये बहुत नौज़ुबिल्लाह बहुत ख़तरनाक चीज़ है, यानी बंद कमरे में भी अगर वो करे कोई बुराई करे, अल्लाह सुबहान व तआला उसे ज़रूर सामने लेकर के आएगा। क्यों? इसलिए कि वो मुसलमानों की सिलसिले में ऐसा मामला रखता है, वो खैर खाने है मुसलमानों का, वो क्योंकि निफाक ही है जो एक मुसलमानों के खिलाफ उसके ताल्लुक से ऐसे ख्याल पैदा होते हैं। एक सच्चा मुसलमान, खैरखा मुसलमान, इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करने वाला, और इस्लाम से मोहब्बत का मतलब ये है कि इस्लाम से जो जुड़ा हुआ है उससे भी मोहब्बत, तो ऐसी सूरत में वो किसी मुसलमान के ताल्लुक से बदज़नी रखता है, किसी मुसलमान के ताल्लुक से गलत सोचता है, उसे बस नीचा करना देखता है, उसकी टांग खींचना देखता है, अल्लाह सुबहान व तआला इसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। बात वाजह हो गया आपको अच्छी तरीके से, नहीं, नीयतों का बड़ा फ़र्क है इसमें। तो मुसलमानों के मामले में अल असलु फिल आराज़ अत्तहरीम, असल के एतबार से हुरमत मुसलमानों का मामला ये है। ये भी इस मौजू के लिए दलाइल हैं, यानी आप पूरे अहादीस पेश करें किसी बात के लिए, ऐसा नहीं, ये कायदा याद कर लें काफ़ी है, अल असलु फिल आराज़ अत्तहरीम, हाँ ये कायदा कहाँ तक सही है उसके लिए आप ये अहादीस पेश करें, जो ये जो गुज़िश्ता क्लासों में सब जो आयतें वगैरह सूरह हुजरात की, सूरह सही बुखारी सही मुस्लिम की जो अहादीस पेश की गई ना, वो सब शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको, अल्लाह खास रहम फरमाए उनके ऊपर, इस मामले में बहुत तफसील से लिखा उन्होंने, एक बाकायदा फसल ही है इसमें, नहीं शेखुल इस्लाम इनकी जो मजमूअल फतावा है उसमें जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 280/2 से, ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के जो फतावे हैं यानी पूरे 37 जिल्दों में छपते हैं, जो जहाँ से भी छपें, अलग 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 मकतबे वाले छापते हैं, लेकिन बिल्कुल वो पहले जिल्द में जितने सफ़े हैं कौन सा मजमून कहाँ से छोड़ता है वैसे ही छपता है वो। आप कहीं भी देख लेते हैं फलां सफ़े में आपके पास वो उनके पास कहीं और जगह से छपाया, हमारे पास कहीं और से छपाया, तो आपको बिल्कुल वही मिलेगा, आपको वैसे ही छापते हैं। एक किताब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको बड़ी जो मारूफ जो किताबें होती हैं असल किताबें मराजे की, उमूमन ऐसे ही छपती हैं, उमूमन ऐसी भी चीज़ें 10 जगह से भी छपी एक ही अंदाज़ में छपती हैं। तहकीक भी हो तो तहकीक के लिए पेपर का इजाफा हो जाता है, लेकिन जो है वो उसी सफ़े में आती हैं वो सारी चीज़ें, ताकि वो कहीं से भी छपें आप खोल कर देखें तो आपको वो सफ़ा मिलेगा। मराजे की किताबों में उमूमन ऐसा ख्याल किया जाता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के इंतकाल के बाद
यानी उनके उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी अहले बातिल की जो इनके खिलाफ साजिशें थीं, इनकी किताबों पर ज़बरदस्त पाबंदी थी, लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला ने इनके इल्म को बाकी रखा। यानी यकीन नहीं होता कि इनकी इतनी सारी किताबें हैं, सिर्फ इनकी मजमू फतावा 37 जिल्दों में है। मजमू फतावा इनकी जो हमारे पास की किताबें हैं वो खुद जो है 10 से ज़ायद किताबें हमारे पास हैं, हमारी मस्जिद की बात कर रहा हूँ मैं, जो इनकी कुल की कुल किताबें हैं, अल्लाह रहम फरमाए। यानी ये और ख़ासकर ये जो मैं आपका जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, ये यानी कैद खाने में लिखा है इन्होंने, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने, लेकिन इनका इखलास, इस्लाम से इनकी मोहब्बत, अल्लाह सुबहान व तआला ने आज इनके इल्म को देखे हमारे सामने कैसे रखा है, तसव्वुर कर सकते हैं आप जी। और कैद खाने में लिखे हैं एक छोटी सी बात के लिए कि अल असर फिल आराद व तहरीम, यानी तकरीबन 40 से ज़ायद अहादीस नकल की इन्होंने अलग अलग किताबों से, सही है, उसके अलावा आयतें सब, हाफिज़ा कैसा होगा इनका, क्या मराजे थे इनके, कहाँ से देख करके नकल किया इन्होंने। हाँ, इसीलिए उलमा कहते हैं कि मकतबे पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इल्म अपने सीने में होना चाहिए, हमारी लाइब्रेरी हमारे सीने में होना, इसलिए कि जो है ये कभी भी ख़त्म हो सकती हैं किताबें, किसी हादिसे की किसी आफत की जद में आ सकते हैं। अल्लाह हिफाज़त फरमाए, अल्लाह खास हिफाज़त फरमाए हमारी किताबों की, यानी और अल्लाह उसके दीन उसकी हिफाज़त फरमाए। इसीलिए ये बात गलत है कि जो है वो बगदाद में बहुत बड़ा हादिसा हुआ तो पूरी किताबें जल गई, उसमें हमारा मसलक था वो नहीं फरे मौला का पूरा जल, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, पूरी दुनिया में भी तूफ़ान नूह आ जाए अल्लाह की शरीयत बाकी रहेगी, अल्लाह का दिन महफूज रहेगा, ये अल्लाह सुबहान व तआला का वादा है। किसी के कुछ हादिसे से किसी की किताब जल जाएगी, अल्लाह का दिन महफूज रहेगा। तो ये कैद खाने में लिखे हैं, अल्लाह सुबहान व तआला ने इनके इल्म को महफूज रखा। हमारी मस्जिद में ऐसी भी किताबें हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन यकीन करना पड़ेगा, ये कोई ख्वाब का मैं हिस्सा नहीं बता रहा हूँ आपको, हकीकी बात बता रहा हूँ। जिन्होंने कैद खाने में लिखे, कैद खाने में यानी दीवार में लिखे, दीवार में कि मेरा इल्म मेरे सीने में नहीं, मेरे मरने के बाद उम्मत मुस्लिमा को मिले, उनकी किताबें छपती हैं आज, उनकी किताबों में तहकीकी काम होता है। कुछ लोगों को सूखे यानी खाली कुएं में बंद कर दिया गया, कुएं में लिखे, मरने के बाद उनकी लाश निकाले तो उनका उनका इल्म मिला उनके कुएं में, उनकी किताबें छपती हैं आज। अल्लाह इल्म को कैसे महफूज रखता है, देखिए। इसीलिए आदमी के अंदर शोहरत नहीं होनी चाहिए कि मैं हज़ारों लोगों के सामने आऊँ मेरा इल्म आए, नहीं, आदमी के अंदर इखलास हो, अल्लाह सुबहान व तआला दुनिया के कोने कोने में पहुँचाएगा उसके इल्म को, क्योंकि वो खालिक का काम है, बंदा बंदे का काम करे, उसका काम अपना खुद करे, वो खालिक अपना काम करेगा, वो खालिक ही काम है, हमारा हमारी मुदाखलत नहीं होना किसी भी मामले में। ये सब क्या है, पढ़ने पढ़ाने की चीज़ नहीं, तरबियत देखे कैसी है, कितना इखलास था देखें इन लोगों का, अल्लाह अकबर। कैद खाने में बिठा के लिखे हैं, क्या तस्वर कर सकते थे, आज पूरी दुनिया में इनकी किताब जो छपती है और फ्री बांटते हैं और इसमें इतना महफूज रखा जाएगा, इखलास चाहिए, नहीं, अल्लाह सुबहान व तआला के दीन के लिए हर मामले में इखलास चाहिए जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तने तनहा आदमी, कोई नहीं, हम बोलते हैं कि बेआब हो गया, बेआब हो गया, आप बोले तो पानी, गया बोले तो घास वगैरह, नहीं, कोई चीज़ नहीं, पहाड़ पे खड़े होकर आवाज़ दे रहे हैं कि तुम आवाज़ दो कि जो है काबतुल्लाह की तरफ हज करने के लिए आओ, वो पूछे तक नहीं कि कहाँ आवाज़ दो, कैसे दो, कौन सुनेगा करके, अल्लाह गैब पर ईमान, ईमान बिल गैब, आवाज़ दिए और अल्लाह सुबहान व तआला ने कहा तहवी इलैहिम, लोगों के दिल बस उसी की तरफ है, काबतुल्लाह की तरफ। ये इखलास बहुत ज़रूरी है अल्लाह सुबहान व तआला के दीन के लिए। हम दुनियावी एतबार से भी मामलात में इखलास नहीं रखते हैं तो लोग हमारे से मामले तोड़ लेते, ख़त्म कर देते हैं, अगर हमारी नीयत में खोट हो। ये रब्बुल आलमीन का मामला है जो कि हमारे जाहिर को नहीं, हमारे बातिन को भी वैसे ही जानता है। तो अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के किसी भी जुज़ के लिए इखलास बहुत ज़रूरी है। बात वाज़ेह हो गई जी। तो चलिए, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल असलु इन्ना दिमा अल मुस्लिमीन व अमवालिहिम व अअराज़िहिम मुहर्रमा मिन बादिहिम अला बाद ला तहिल्लु इल्ला बिइज़्निल्लाहि व रसूलिह। यानी मुसलमानों का माल, मुसलमानों के आराज, उनकी इज्जत व आबरू एक दूसरे पर जो है हराम है, इल्ला एक शरई एतबार से कोई ऐसा मामला हो, यानी कि जिसने किसी को कत्ल कर दिया, किसी ने किसी पे तोहमत लगाई, उसके एतबार से वो एक अलग मामला, वो असल असल जो है वो आप यकीन में बाकी रहें, यकीन में बाकी रहें। इससे मुतालिक इन्होंने बेशुमार अहादीस, फिर जो है यानी कई एक उलमा के अकवाल सब कुछ लेकर के आए। तो ये एक अहम मामला है कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से मुतालिक असल पे बाकी रहना चाहिए, असल पे बाकी रहना चाहिए। हाँ, कुछ मामलात हैं जिसको मिला करके एक मामला भी बनाया जाता है या उसके अलग अलग शेख भी कर दिए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक मामला यूँ समझ लीजिए जो फिलहाल फिलहाल शायद मेरे और आपके लिए उतनी ज़रूरत की बात नहीं रहेगी, लेकिन किसी दौर में एक दीन की ज़रूरत थी, वो एक हिस्सा था दीन का, वो उसके बगैर चारा नहीं था, वो अहादीस के रिवायत करने का मामला।
नहीं किसी भी वो कोई आदमी कहे कि मुझे फला आदमी ने मुझसे ये हदीस बयान की, हाँ अल असलु फिल आराज़ अत्तहरीम, ऐसा नहीं, वहाँ छानबीन होगी कौन है, कहाँ पैदा हुए, क्या अकीदा, उनके असातिज़ा कौन, कहाँ कहाँ गए, किससे कितनी हदीसें सुनी, हाफिज़ा कैसा था उनका, कब तारी हुआ उनके ऊपर ज़ौफ़ कब तारी हुआ, क्या इतनी उनकी तालों से छानबीन की जाएगी जिसकी कोई हद नहीं, क्यों, दीन की हिफाज़त के लिए मामला जरूरी, वहां ऐसा मामला नहीं होगा, वहां एक रावी से मुतालिक जितने मालूमात कम मिलेंगे उस पर उतना असर पड़ेगा उसके रिवायत के सेहत और ज़ौफ़ में, समझ रहे, उसके रिवायत के सेहत और ज़ौफ़ में उसी के कदर असर पड़ेगा उसमें, ये मामला ऐसा होता है। फिर दीगर मामलात होती हैं जैसे मिसाल के तौर पर यानी हमारे अपने माशरती ताल्लुकात होते हैं शादी ब्याह के, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि एक बड़ा बड़ा मामला तय होने वाला है और एक लंबी मुद्दत गुजारनी रहती है, तो ऐसी सूरत में कि कहीं ऐसा ना हो कि वो धोखे का शिकार हो जाए, एक तो एक मुसलमान मुसलमान को धोखा ना दे, लेकिन इसके बावजूद भी सेहत और ताक़ुद के लिए यकीन हासिल करने के लिए, वो असल में बाकी है वो, लेकिन उसका ज़ाती इनफरादी मामला है, एक का दूसरे से रिश्ता हो रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लम ने देखा कहा कि वो लड़का जो है लड़की को देख ले, लड़की भी किसी एतबार से लड़के को देख ले, इसलिए कि वो ये नहीं है कि अल असलु फिल आराज़ या तहरीम, वो असल के एतबार से, लेकिन अपने इनफरादी मामले में वो किसी के साथ मुस्तकिल ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं, फिर उसके साथ ये हो जाना चाहिए, बात वाजी हो गई। हाँ ये इन्हीं दौरे हाजिर में जैसे ये है ना कि शादी से पहले जो एक लंबा अरसा गुजारते हैं बाद में यकीन हासिल होता है, वो अलग चीज़, वो बात गुजर चुकी है, वो अल असलु फिल अफ़ज़ा या तहरीम में वहाँ गुजर चुकी बात हो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ये मुस्तकिल एक अलग से बात बयान की, आप सल्लम के पास सहाबियात, सहाबा की बात नहीं कर, सहाबियात ख़वातीन रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना अजमाइन वो आती, किसी का मामला होता कि अल्लाह के रसूल मेरे पास तीन रिश्ते आए हैं मुआविया का, ज़ैद इब्न हारिस का, मैं किससे शादी करूँ, रज़ी अल्लाह अन्हुम, आप सल्लम ने कहा कि देखो उनके अंदर ये ऐब है आप उनसे शादी मत करो, उनके अंदर ये ऐब है ये शादी मत करो, ये तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं इस मामले में, इस तरह के मामलों में अल असलु फिल आराज़ या तहरीम अपनी जगह पर, लेकिन ख़ास मामलों में ख़ास मसाइल होते हैं, इसको जब तक इन सब को जोड़ेंगे नहीं फिर एक दूसरे को टकराव के तौर पर पेश करना पड़ेगा, ऐसा मालूम होगा कि एक तरफ ये बात है एक तरफ ये बात है, बात समझ में आ रही आपको अच्छी तरीके से। हाँ तो हमारे ऊपर जो ज़रूरी है वो ये कि हम असल पे बाकी रहें, हमेशा हमेशा असल पे बाकी रहना पड़ेगा जब तक कि दूसरा यकीन नहीं आ जाता, असल पे बाकी रहेगा आदमी तो उसे यकीन हासिल होगा, मुतमईन की जिंदगी इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारेगा, और हमेशा तजब्ज़ुब और कश्मकश में रहेगा वो, क्या मामला होगा, वो कैसा होगा, वो किस तरीके से होगा, और वो उसके साथ दूर भी रहेगा तो उसी के तालुक से सोचता रहेगा मेरे बारे में वो क्या सोचता होगा, वो कैसा आदमी होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो किससे बात कर रहा होगा, वो शायद उससे बात कर रहा है मेरे से तालुक से बात करता होगा, वो जो है ऐसा क्या शायद मेरे तालुक से करता, आदमी का इत्मीनान जो है ख़त्म होकर रह जाएगा, क्यों, वो यकीन पर नहीं, वो हमारा मामला यह होना चाहिए कि अलसलु फिल आराज़ या तहरीम, आदमी इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारेगा, इस्लाम ने कि अल्लाह अकबर हर मामले में किस कदर यकीन दिलाता है आदमी को, कितने इत्मीनान की ज़िंदगी अता करता है। चलिए ये कायदा रहा, इससे मुतालिक बोलते जाएंगे तो बहुत है, एक खुलासे के तौर पर यह बात काफ़ी है, अलसलु फिल आराज़ या तहरीम यानी हर मामले में यकीन, अल यकीन ला यज़ुलु बिशक। चलिए मैं कुछ कवायद लिखवाता हूँ इंशाअल्लाह, उसके बाद वो कवायद पढ़ेंगे। इसी के तहत नहीं, अल यकीन ला यज़ुलु बिशक के, अब जैसे हम लोग ये नंबर 6 का पढ़े, कायदा नंबर 6 जी, सर लिखते जाइए हम लोग इसी तरतीब से पढ़ते जाएंगे, नंबर 6 बोले तो नंबर 7, अल असलु फिल अवामिरी देखिए, एक है अम्र, अम्र अम्र बोलते हैं मामला अम्र, एक होता है अम्र की जमा उमूर, अम्र की जमा उमूर, एक होता है अम्र की जमा अवामिर, दोनों में फ़र्क है। हाँ जी, वो फ़र्क कैसे मालूम होगा, जमा में वाहिद में नहीं, दोनों भी अम्र अम्र बोलेंगे, ये एक अम्र है ये एक अम्र है, एक है अम्र की जमा अवामिर एक है अम्र की जमा उमूर,
امور معاملات کو بولتے ہیں، جبکہ عوامر کسی نیکی کے حکم دینے کو بولتے ہیں، کسی بھی چیز کے حکم دینے کو عوامر. بات واضح ہو گئی؟ عوامر و نواہی. جی انہا للوجوب. الاصل بول کے لکھیں، اچھے سے لکھیں، ہر چیز بول کے لکھنا چاہیے یاد کرنے کے لیے، نقل کرنا اصل چیز نہیں ہے. بولیں گے تو آپ کا وہ علم ہے نا آپ کے سینے میں آئے گا، ورنہ صرف کتاب میں. گویا کہ بس یہاں جو علم ہے وہ آپ کی نوٹ بک میں آ جا رہا ہے اتنا ہی. للوجوبی، ہاں الاصل فی الذبائح التحریم. الاصل في المياه في الذبائح، ذبيحة يعني ذبح وغيرہ کرتے ہیں نہیں، ذبائح اس میں وہ سب معاملہ آئیں گے انشاءاللہ. یعنی جیسے باہر جگہوں سے گوشت آتا نہیں پیک ہو کے دوسرے ملکوں سے، یعنی یہاں سے وہاں کہیں ہو جاتا ہے، فلائٹ میں وغیرہ جاتے ہیں، پلین وغیرہ میں، اس میں جو گوشت وغیرہ دیا جاتا ہے، ہاں وہ کھانا نہیں کھانا، یہ سب وہ سب اس میں آئے گا انشاءاللہ قواعد فقہ میں. ہاں جی التحریم الطہارہ ظہیر بھائی بول کے لکھنا پوچھنا. ہاں لا ينسب الاصل في المياه، مياه پانی کو بولتے ہیں، پانی پڑھیں گے انشاءاللہ. الى ساكت قول اتنا پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد تیسرے قاعدے میں جائیں گے، اصل قاعدہ بڑا. لا ينسب الى ساكت قول، آپ لکھ لیجئے. ایک بات بولنا ہے، بولوں گا آپ سے. لا ينسب الى ساكت قول، تاریخ آج دسمبر کیا مارچ، وہاں تک چلے گئے. مارچ کی کیا تاریخ ہے؟ ابو معاذ نہیں کیا برکت بھائی؟
आठ लोग हैं यहाँ पर, कौन नहीं है? दो और अच्छा देखिए, कवायद फ़िक़्हा की जो क्लास है वो हफ्ते के दिन सुबह में है फजर के बाद, तो अब अल्लाह ना करे किसी दिन फजर के दिन क्लास नहीं हो सके किसी हफ्ते को, वो एक हफ़्ता हमारा निकल जाता है, फिर दूसरे हफ्ते किसी वजह से नहीं हो सके निकल जाएगा, तो क्या ऐसा मुमकिन है क्या कि हफ्ते असल पे बाकी रहेंगे? अगर हफ्ते के दिन क्लास नहीं हुई इतवार को रख लिए वो क्लास उसकी भरपाई, या पीर को रख लिए कैसे भी उसकी उसका उसका निकल जाना इसी वक्त में, पीर को क्यों नहीं होता? अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोगों का वो अरबी क्लास के वो सोच रहा हूँ, तो इतवार के दिन ऐसे इतवार को। अच्छा देखिए, गए बार की क्लास नहीं हुई ऐसा, तो इतवार को रख लेंगे इंशाल्लाह, जैसे भी असल पे बाकी रहेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।